ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ द हेल्थ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेस्ट। अंश, आशनी, यश, तो इसमें चार स्लिप सर। इस मॉल में हम जाके सारे सेपरेट हो जाएंगे और वहाँ करवा ले। तो आज हम बनाने वाले हैं पैनकेक्स एंड दीज आर नॉट जस्ट पैनकेक्स, दीज आर प्रोटीन पैनकेक्स। सो मैंने इसको एक नाम दिया है विच इज प्रोट केक्स, विच इज प्रोटीन प्लस पैनकेक्स, इट्स प्रोट केक्स। सो इसमें अब हम जो बनाने वाले हैं उसकी आज मैं पूरी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल ऑफ रेसिपी वीडियो एंड इसके बाद आज हम सीक्रेट सांता करेंगे बिकॉज 25th को दिस क्रिसमस। सो हम लोग चार फ्रेंड्स जो हैं, आई विल मेक यू मीट ऑल ऑफ देम। सो हम लोग सीक्रेट सांता का प्रिपरेशन करेंगे, वील डू ऑल दैट स्लिप्स एंड बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर। सो उसमें हम लोग वील गो टू मॉल एक साथ एंड देन वहाँ पर हम लोग सेपरेट हो जाएंगे, सब एक दूसरे को बताएंगे नहीं कौन क्या ले रहा है कैसे ले रहा है। सो लेट्स सी, अभी सबसे पहले हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो लेट्स मीट यू इन द किचन। सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर पैनकेक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सेगमेंट जो मेरे चैनल पे होने वाला है। इसमें आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द रेसिपीज, जितनी भी मील्स मैं लेता हूँ उसकी सारी रेसिपीज आई एम गोइंग टू शेयर एंड आई टेल यू दैट ऑल द मील्स आर गोइंग टू बी वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ द हेल्थ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेस्ट। सो वील मेक टेस्टी एंड हेल्दी पैनकेक्स टुडे, जिसको मैंने नाम दिया है प्रोट केक, जो मैंने पहले भी बताया था, प्रोटीन प्लस पैनकेक्स। सो इसमें वील स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज फर्स्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट बाय मसल बेस्ड हाई प्रोटीन ओट्स। एंड अगर आपके पास ये वाले ओट्स नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन, दिस इज द बेसिक ओट्स फ्रॉम कुकर। एंड इसके बाद में हम ये लोग यूज करेंगे इसमें प्रोटीन पाउडर विच इज ऑल्सो फ्रॉम मसल बेस, जो मैं यूज करता हूँ। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेरी हर वीडियो के मिलेगा। एंड इसके साथ वी आर गोइंग टू यूज एग्स एंड पीनट बटर एंड हम इसमें बेकिंग पाउडर भी यूज करेंगे एंड ऑल्सो वील यूज टू बनानास। एक बनाना हम बाद में पैनकेक बनाने के बाद डालेंगे एंड एक बनाना को हम यूज करेंगे वाइल मेकिंग द पैनकेक्स। सो नाउ वील पुट एवरीथिंग, ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्सर एंड मिक्सर जार में हम उस सबको ब्लेंड करेंगे। नाउ अगर बैटर जो हमारा बनेगा, बैटर अगर हमारा ज्यादा थिक होगा, सो वील एड सम मिल्क उसमें ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी हो। सो आई विल शो यू राइट अवे कैसे होने वाला है आगे का। सो नाउ वील स्टार्ट मेकिंग द प्रोट केक्स। अब इसमें वील स्टार्ट विद ओट्स विच आर गोइंग टू बी 70 grams। सो दीज ओट्स आर 70 grams। अब इसको हम सबसे पहले ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा ताकि ये पाउडरिश फॉर्म में आ जाए। सो नाउ दे आर रेडी आफ्टर ब्लेंडिंग। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 whole eggs। And we'll add banana. And banana ke baad we'll add a little of baking powder and my protein powder. So now we'll add 1 scoop of whey protein. अब इन सबको ब्लेंड कर लेंगे हम। Now we'll add some milk इसमें क्योंकि बैटर अभी बहुत थिक है। And we'll blend it again.
नाउ द बैटर इज ओके, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी, इट शुड बी परफेक्टली ब्लेंड, बिल्कुल इसमें किसी भी चीज़ के पीसेस नहीं होने चाहिए, कम्प्लीटली ब्लेंड होना चाहिए. नाउ दैट पीनट बटर 20 grams. And then we'll blend it again. This is going to be final blend. अगर ये अभी भी thick हुआ तो फिर हम इसमें थोड़ा सा milk और add करेंगे. So this is how batter is going to look like. थोड़ा सा over हो गया इसमें. सो इसके बाद जब बैटर बन जाएगा उसके बाद जस्ट पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और मैं जैसे एक घी यूज़ करता हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज़ बटर, ऑलिव ऑयल, वॉट एवर यू वॉन्ट. तो हमें पैन पे वो लगाना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है, एंड उसके बाद इसको ऐसे रखना है पैन को. सो इट्स रेडी. ऐसे ही मैं इस सारे बैटर के पैनकेक्स बनाने वाला हूँ, एंड सारे बैटर के पैनकेक्स जब सारे रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी टॉपिंग्स वाले टाइम पे मिलते हैं. सो अब इसमें टॉपिंग के लिए वील आर्ट बनाना. And we'll add some dry nuts. Oh, ये mix नहीं हुआ. And then we'll add honey. Because हमने इसमें sugar add नहीं किया, we'll add honey. Now our pancakes are ready. So secret Santa के लिए हमने यहाँ पर चार slips बनाई है हमारी, ये दीपांश, आशनी, यश. तो इसमें चार slips है. सबसे पहले यश एक slip उठाएगा. यश ना वो. यश बता क्या कर रहा था? ये ऐसे यश. हो गया उसको यश का बोलो. हेलो आशी. Fine, we are done. Yes. सबके पास एक एक स्लिप आ गई है, सबके नाम है. अब आगे क्या करना है? आगे हम ये करेंगे कि एवरी वन हैज द लिमिट ऑफ 500 rupees. विद इन 500 rupees वी हैव टू गेट इच अदर अ गिफ्ट. अब हम जाएंगे इधर फिनिक्स मार्केट सिटी और आर सिटी, लेट्स डिसाइड दैट. एंड वहाँ पे हम चारों अलग हो जाएंगे, जिसका जिसका नाम है उसके लिए गिफ्ट लेंगे. एंड देन ऑन 25th वी विल एक्सचेंज द गिफ्ट. तब तक वी डोंट हैव टू डिस्क्लोज कि किसको किसका नाम है. आई होप यू थ्री ऑफ देम विल नॉट डिस्क्लोज इट बिकॉज यू स्टे टुगेदर. स्वेयर स्वेयर. गीता पे हाथ रख के कदम उठाता हूँ. मेरी किताब है स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. मैं गीता की कसम, मतलब गीता के ऊपर. मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा.
यश आई आई कैप्टन सो कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा क्या होना है अब इसके बाद हम लोग जिस भी मॉल जाएंगे कहाँ जाना है सिटी का जाना है फीनिक्स तो अभी हम जा रहे हैं फीनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला तो फीनिक्स मॉल में हम जाके सारे सेपरेट हो जाएंगे और वहाँ पर सेपरेट होके वी विल बाय जो भी है 500 रुपये के अंडर में जिसका भी नाम जिसकी स्लिप पे है उसके लिए कुछ लेंगे और 25th को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए हम करेंगे सो वी लीव फॉर द मॉल There was change in plan. हम लोग rather than going market city, हम लोग R City Mall आए हैं, which is in Ghatkopar. पांच सौ रुपए में लेके आएंगे, ठीक है? वरना देख भावना मैटर करती है. भावना बड़ा हरामी हो बेटा. Okay guys, let's separate. So we are separating from here. सब लोग अलग अलग जा रहे हैं सब लोग अलग अलग जा रहे हैं चलो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया सो वेस्ट साइड में तो हमने बहुत देखा वहां तो कुछ मिला नहीं अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई अभी अच्छे ना अभी हम H&M जा रहे हैं स्टिल सीक्रेसी मेंटेन्ड है अभी भी हमने नाम नहीं बताया किसी का मतलब लेट्स सी H&M में क्या मिलता है अंडर 500 बिकॉज अभी रिसेंटली शायद H&M पे कुछ सेल चल रही है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाए हमारे पास दूसरे ऑप्शन बचे एक तो मिनीसो है जिसमें हमें कम का मिल सकता है एंड उसके अपार्ट देयर इज डीकैथलॉन व्हाट आर यू बाइंग व्हाट आर यू बाइंग आई एम जस्ट लुकिंग दिस इज फॉर अ मेल ऑब्वियसली हां मेल तो है ना तो मेल तो है इसके पास कौन है बस चलो चलो लेट्स गो नहीं नहीं हमने नाम नहीं बताया किसी को हमने नाम नहीं बताया किसी को तो क्या कितने की थी 500 से ऊपर की होगी ना सोल स्टोर में सब 500 हम लोग हो क्या है सोल स्टोर अभी चल फिर चलेंगे अपेरेंटली हमें सोल स्टोर में भी कुछ नहीं मिला इट्स वेरी टफ अंडर 500 देखना कि क्या लेना चाहिए डीकैथलॉन या सो नाउ वी गोइंग डीकैथलॉन वहां से देखते हैं क्या ले सकते हैं यश किसके लिए ले रहा है हटना 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 देख देख के पता चलेगा किसका ले रहा है
लड्डू का ले रहे हैं। किसके लिए ले रहा है? हमने नाम नहीं बताया, हम रैंडमली सारे स्टोर्स में साथ घूम रहे हैं, बस नाम नहीं बताया हमने किसी को। तो किसके लिए ले रहे दीपू? आई फाइनली गॉट वन, तो मुझे जो मिला है 495 विच इज़ अंडर द लिमिट और आई गॉट इट फ्रॉम द बॉम्बे स्टोर। मेरा नाम है ना तेरे पास, इधर देख इधर देख, स्पा दिलवा दे मुझे ले। चले आशनी ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, इधर है उधर भी ले लिया, तेरा बचा है सिर्फ। तीन बुक्स दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज बेटर? आई डू नॉट इवन रीड द बुक्स। सजेशन? नो नो सजेशंस। ये क्या है? पैकिंग पेपर, रैपिंग पेपर। रैपिंग पेपर सबको सेम लेना था। ये कब हुआ? ऐसा इसने बोला था मुझे। नहीं, H&M वाले रैप करके थोड़ी देंगे। इसने वहाँ क्रॉसवर्ड से नहीं लिया, इसने बस H&M से लिया। किसका नाम था? ओके गाइस, सो दिस इज रैपिंग पेपर। अभी हम दोनों हो गए, ये बची है, इसने भी नहीं लिया अभी। ये तो मैंने इस, ये तो यही पता, यही कर ले मेरा जब ये लिया तो। दीपांश, दीपांश कहाँ गया? सो वी आर ऑलमोस्ट डन, सब ने सब कुछ ले लिया है एंड इट्स 8:05, सो आधा घंटा लेट। मेरा तो हो गया था अराउंड 7:05 पे, मैंने ले लिया था ऑलमोस्ट जो भी मुझे लेना था। मैं तब से खाली घूम रहा हूँ। फिर यश का हो गया था, फिर थर्ड में दीपांश का हुआ, फिर फाइनली अब आशनी बिलिंग करवा रही है मेरे शो से। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड बिकॉज क्रिसमस पे वी आर गोइंग टू गिफ्ट दीज गिफ्ट टू ईच अदर। तो उस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगा किसने किसको क्या दिया और किसके पास किसका नाम आया था। सो स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।